डिजर्विंग विनर करके एक हैशटैग चल रहा है प्रियंका चाहर चौधरी। मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं इस मुकाम तक आई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जनता मुझे इतना प्यार करेगी। एक पर्टिकुलर कंटेंडर को मुफ्त में कैप्टेंसी दे दी जाती है तो भी वो टिकट तो फिनाले तक भी आने के बाद में भी शायद रहते, लेकिन ठीक है वो तो लाइव वोट से तो नहीं रहे। और क्यों आखिरकार वीकेंड के बाद पे सिर्फ और सिर्फ प्रियंका की ही क्लास लगती? आई स्वेयर यार, मुझे समझ में नहीं आता था। इवेंचुअली द विनर इज प्रियंका चाहर चौधरी कह सकते हैं। हाँ, मैंने दिल जीता है लोगों का, मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है लाइफ में। और सलमान सर के मुँह से निकले वो गोल्डन वर्ड्स, विनर है वो एमसी स्टैंड है। स्पेशल पिज्जा पार्टी ऑर्गेनाइज की थी आपको पता, ये बात ना मुझे कल ही पता चली, लेकिन बस मुझे एक चीज इसमें थोड़ी सी अजीब लगी कि मंडली जब बाहर आ रही, बहुत से बार मंडली को फेवरेटिज्म करते हुए देखा गया है। इतना बुरा लग रहा था कि ये लोगों ने खाना नहीं खाया और ये लोग बेचारे भूख में से टास्क कर रहे हैं। प्रियंका की मुझे आवाज पसंद नहीं, प्रियंका की पर्सनैलिटी पसंद नहीं, वो पूरी शक्ल से लेकर मतलब अकल तक पसंद नहीं है, तो ऐसा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम निमृत के बारे में बात ना करें, कल पार्टी में कैसा रिएक्शन था जब आप मंडली से मिले? तो नॉर्मली मिली, उसके बाद में सब नए लोग थे, सब उन सबसे भी मिल रहे थे, तो वहीं पर थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए गए हैं। अपने अंकित को एज अ बेबी प्रोटेक्ट किया है कि आंखों से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। अब कहीं जाके जब अंकित जैसे आंखों में आंसू आए, वैसे नहीं आने चाहिए थे, मुझे नहीं पसंद उसके आंखों में आंसू आएंगे तो। और मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तबीयत वो ठीक है ना? अब्दू ने एक स्टेटमेंट पास किया कि प्रियंका ने उसे कंटेंट के लिए यूज किया। अब्दू ना मेरे लिए ना अल्लाह का बंदा है, मतलब वो एंजल है मेरे लिए। खेल खेला है आपने, जनता का दिल जीता है, जनता ने विनर बनाया है, डिजर्विंग विनर करके एक हैशटैग चल रहा है प्रियंका चाहर चौधरी। व्हाट इज योर रिएक्शन प्रियंका जी? राहुल, वैसे तो आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक होते हुए आई, आई गेस नेटवर्क इशू है, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। जी हाँ, तो जनता का इतना प्यार मिला है, मतलब मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मान रही हूँ, सच कह रही हूँ। आई मीन, मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं इस मुकाम तक आई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जनता मुझे इतना प्यार करेगी, मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी नहीं सोचा था। तो अगर इतना प्यार मुझे मिला है, आई एम श्योर कि मैं कितनी थैंकफुल हूँ, कितनी ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए, वो मैं बता नहीं सकती, मतलब आई कांट डिस्क्राइब, वर्ड्स में नहीं रख सकती वो चीजें। मैं बस यहाँ है कि भाई ये चीज ही चाहिए थी लाइफ में, जो मिली है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ मिलेगा। जी प्रियंका जी, मैं ना ज्यादातर अपने क्वेश्चंस में घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, सीधे सवाल करता हूँ। मैंने अंकित जी से भी बातचीत करी थी, आपसे भी मैं वही सीधे सवाल करना चाहूंगा। सबसे पहला तो यही सवाल है कि एक पर्टिकुलर कंटेंडर को मुफ्त में कैप्टेंसी दे दी जाती है, उन्हें जो है मुफ्त में ही पहुंचा दिया जाता है टिकट टू फिनाले लेकर, क्या आपको अंदर ये फील होता था कि ये कुछ ना कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म की तरफ बढ़ रही हैं? नहीं, आई गेस सी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आ नहीं सकता दिमाग में, जरूर आ सकता, लेकिन मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं था, और ना ही मुझे लगता कि ऐसा कुछ हुआ है कि फेवरेटिज्म वहां पर दिखाया गया है। क्योंकि अगर फेवरेटिज्म होता तो भी वो टिकट तो फिनाले तक भी आने के बाद में भी शायद रहते, लेकिन ठीक है वो तो लाइव वोट से तो नहीं रहे, वो अपनी अपनी किस्मत है। बट टिकट टू फिनाले उन्हें मिला तो उन्हें ये बोलकर ही दिया गया था कि अगर आप अपने ये जो लॉस्ट का टैग आप पे लगा हुआ है ये हटा सकती हैं, तो ये टिकट टू फिनाले आपका है। प्लस बिग बॉस अगर फेवरेटिज्म करते तो टिकट टू फिनाले उन्हें देकर वहीं छोड़ देते, लेकिन उन्हें टास्क भी दिया गया कि आप अपने आप को बचा सकती हैं, टिकट टू फिनाले तक बचा लीजिए। तो आई एम श्योर कुछ ऐसा फेवरेटिज्म मुझे ऐसा नहीं लगा, और मेरे लिए तो अच्छा, मतलब मजे आ रहे थे कि एक और टास्क हमारे ऐड हो गया, तो इट वॉज फन फॉर मी। जी, वाई प्रियंका चाहर चौधरी जो है वो अक्सर हर मुद्दों में बोलती थी और बाकी के घर वाले हमेशा चुप रहते थे, और क्यों आखिरकार वीकेंड के बाद पे सिर्फ और सिर्फ प्रियंका की ही क्लास लगती थी? आई स्वेयर यार, मुझे समझ में नहीं आता था। तो मेरी क्लास तो बहुत लगती थी, बट शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज दिख रही होगी कि हाँ, पोटेंशियल है इसमें, इसमें वो बात है शायद आगे बढ़ने वाली, लेकिन अगर ये उन सब टाइम में कहीं गलत जा रही है तो समझाया जा सकता है। नॉर्मली यही होता है कि एक अगर कोई ब्राइट स्टूडेंट है और वो दिख रहा है कि वो कर सकता है, लेकिन वो कहाँ गलत पढ़ रहा है, उधर हम उन्हें गाइड करते हैं। तो सेम चीज शायद मेरे साथ भी हुई, तो मैं उसे डांट की तरह नहीं लेती हूँ, क्लास की तरह नहीं लेती हूँ। मैंने हमेशा सलमान सर ने जब भी मुझे कुछ बोला है, मैंने उसको वैसे ही लिया है कि वो मुझे समझा रहे हैं, जिसपे मुझे काम करना है, क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा, मैं अपने ही वे में चलती रहूंगी तो शायद मैं गलत पढ़ सकती हूँ कभी। तो उन्होंने मुझे हर वीकेंड पे समझाया, और मैं वो समझती गई, अमल करती गई उन बातों पर, और आई थिंक शायद यही रीजन है कि मैं टॉप 3 में भी पहुंची।
क्योंकि मैंने उनकी बातों को निग्लेक्ट नहीं किया, तो यस एक्चुअली इवेंचुअली द विनर इज प्रियंका चाहर चौधरी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है, लेकिन विनर जो है वो एक ही होता है। हाँ, मैंने दिल जीता है लोगों का, मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है लाइफ में, और सलमान सर के मुंह से निकले हुए वो गोल्डन वर्ड्स जो मैं शायद अपनी लाइफ में कभी ना भूलूं, तो मेरे लिए तो वही बहुत जीत है। लेकिन देखो, 16 का जो बिग बॉस 16 का जो विनर है वो एमसी स्टैन है, हम इस चीज को नहीं डिनाई कर ओह सकते हैं। हाँ, ओह मुझे इतना थैंक इतना प्यार दिया है, उसी में मैं जीत गई, तो मुझे वही है। यू जी। प्रियंका जी, क्या आपको पता है कि घर के अंदर मंडली के लिए स्पेशली एक पिज्जा पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जब गौतम की वजह से सारा राशन चला गया था और भूख हड़ताल चल रही थी, उस वक्त साजिद सर अपने अब्दू, निमरित, शिव, स्टैन, गोरी, इनके लिए एक स्पेशल पिज्जा पार्टी ऑर्गेनाइज की थी अंदर बुला बुला के कन्फेशन रूम में। आपको पता है, ये बात ना मुझे कल ही पता चली, तो मुझे ठीक है यार, उन लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था, बहुत अच्छा किया कि उन्हें वो चीज खाना दिया बिग बॉस ने, ये एक ह्यूमैनिटी का वो साइन है। लेकिन बस मुझे एक चीज इसमें थोड़ी सी अजीब लगी, वो ये लगी कि मंडली जब बाहर आ रही थी तो उन्होंने वो टास्क करते हुए बोल रहे थे कि हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, वरना तुम्हारे लिए भी खाना नहीं आएगा, हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ये सब, तुम्हारे लिए वो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। इतना बुरा लग रहा था राहुल, आई कांट इवन टेल एनी वन कि मुझे कितना बुरा लग रहा था कि ये लोगों ने खाना नहीं खाया और ये लोग बेचारे भूख में से टास्क कर रहे हैं। तो दैट्स वेयर आई फेल्ट बैड कि शिट, मतलब शायद उनको बताना अलाउड भी नहीं था, आई अंडरस्टैंड, बट देन मुझे बुरा लगा कि मैं इतना बुरा फील कर रही थी उन लोगों के लिए कि ये बेचारे टास्क में लगे हुए क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया, बट मुझे नहीं पता जी था कि वो अंदर पिज्जा खा रहे हैं, आई डिडंट नो अबाउट इट। राइट राइट राइट। और इसी पर ही जनता के भी सवाल है मैम, कि मुझे काफी लोगों ने कहा कि बहुत से बार मंडली को फेवरेटिज्म करते हुए देखा गया है, साजिद से नॉमिनेशन में आते हैं उनको हटा दिया जाता है नॉमिनेशन से, वो नॉमिनेशन ही कैंसिल हो जाता है। डू यू फील द सेम, क्या कभी ऐसी कुछ ख्याल आता है? यार कई बार ऐसा लग सकता है देखो, लेकिन क्या होता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा, ऐसा नहीं होता है, मतलब मुझे नहीं लगा क्योंकि वहां पर सारे कंटेस्टेंट्स इक्वल थे, और ऐसा नहीं कि साजिद जी को नॉमिनेशन से बचा दिया गया, बचाया है तो उनकी मंडली के लोगों ने ही बचाया, जो कि ऑफकोर्स बचाएंगे, राइट। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगता कि सब कंटेस्टेंट वहां पर इक्वली ही ट्रीट किए गए थे, और जिसमें जो बात थी ना वो तो वहां पे रहा ही है एंड तक, तो फेवरेटिज्म का मुझे नहीं लगा, शायद मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं भी वहां पे कंटेस्ट में, मुझे पता है कि अगर वो हमारे सर पे हाथ रखा हुआ उन्होंने तो वो सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, तो मेरे दिमाग में हमेशा से यही थॉट क्लियर है, सो आई नेवर फेल्ट प्रियंका इट। जी, आखिरकार निमरित जी और आपकी क्या ऐसी वो रणवीर सिंह के शो में ऐसी क्या बातचीत हुई या किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि निमरित जी जो है वो घर के अंदर भी आपके ऊपर डे वन से चार्ज करते हुए नजर आई हैं, और कहीं ना कहीं जब आप और अंकित खाना खाते थे तो वो आपके खाने पे नजर डालते हुए कहती थी ये लोग कितना खाते हैं, प्रियंका की मुझे आवाज पसंद नहीं, प्रियंका की पर्सनैलिटी पसंद नहीं, वो पूरी शक्ल से लेकर मतलब अकल तक पसंद नहीं है। तो ऐसा मतलब मुझे जानना है कि आखिरकार क्या हुआ क्या था, क्योंकि सेम यही सवाल मैं निमरित जी से भी पूछा था, तो थोड़ी सी मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी भी बातें लगी हैं, बट लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। यार राहुल, आई स्वेयर मुझे कोई आइडिया नहीं, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये तक, अच्छा तो खाने वाने वाली बातें तो मैंने अब आके कहीं देखी है, बट एनी वेज इट्स फाइन, अब तो जो हो गया सो हो गया, उन पुरानी बातों को क्या ही याद करना। मुझे, मैंने तो ये तक बोला था कि प्लीज यार आप छोड़ दो मेरे को नहीं टारगेट, आपको लगता है मैं टारगेट करती हूँ, मेरे को नहीं टारगेट करना है आपको, बट आई थिंक जो भी था ना, मुझे नहीं पता क्या था मेरी तरफ से, ट्रस्ट मी ऐसा इनिशियली कुछ नहीं था, या बार बार एक बार दो बार चीजें होंगी तो आपको पता लगता कि अच्छा कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है, तब भले ही मेरे को थोड़ा सा हो गया था कि ठीक है इट्स फाइन, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम निमरित के बारे में बात ना करके हमारी आज की उस चीज में देखेंगे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि वो जो चीज थी वहां पर वो मैं वहां की वहीं छोड़ के आई, तो मेरे मन में कोई ग्रजेस नहीं है, आई मीन जो भी था ठीक है इट्स फाइन, वो वहां पर निमरित क्या सोचती थी, सी मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। कल पार्टी में कैसा रिएक्शन था जब आप मंडली से मिले? मैं सबसे मिली नॉर्मली अच्छे से, मतलब सबसे जैसे आप मिलते हो हक करके, निमरित से भी मिली, सबसे मिली थी तो नॉर्मली मिली, उसके बाद में सब नए लोग थे, सब उन सबसे भी मिल रहे थे, तो वहीं पर थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए गई नहीं थी तो वहां पर थोड़ा बिजी रहे, देन मैं निकल गई थी, तो अच्छे से जी जी मुलाकात हुई। प्रियंका जी, आपके जैसा दोस्त है ना कहीं बहुत मुश्किल से मिलता है, हमने देखा आपने अंकित को एज अ बेबी प्रोटेक्ट किया है, और कहीं ना कहीं फिनाले पे जब आप थर्ड नंबर पे आउट हुए तो अंकित गुप्ता मतलब
जिनको हम इमोशनलेस समझते हैं, उनकी आंखों से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? इस बारे में आपसे क्या बात हुई? मुझे लगता है फाइन, मतलब लड़के को जो मैं हमेशा बोलती थी, यार आपको चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, दुश्मनी में भी आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है कि डूड आई डोंट लाइक यू, राइट, आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो अब कहीं जाके जब अंकित जैसे आंखों में आंसू आए, वैसे नहीं आने चाहिए थे, मुझे नहीं पसंद उसके आंखों में आंसू आएंगे तो, लेकिन वो आंखों में आंसू आए, वो मैंने पहली बार अंकित गुप्ता की आंखों में आंसू देखे हैं। सो आई वॉज क्वाइट शॉक, और मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तबीयत वबीयत ठीक है ना तेरी? तो मैंने उसको नॉर्मली ऐसे अच्छे वे में उसको समझाया कि इट्स फाइन, लेट्स बी प्रैक्टिकल। तो ओके शॉकिंग था थोड़ा, बट जी, चेंजेस चेंज लगा वो मुझे थोड़ा सा कि ओके। ओके ओके। अच्छा प्रियंका जी, बाय द वे, डंकी की काफी चर्चाएं चल रही हैं। प्रियंका चाहर चौधरी, बिग थिंग इज डंकी। सलमान, आपका एक स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा पे, सलमान सर ने आपको शायद बोला है कि आप शाहरुख खान से बारे में बात कीजिए, शाहरुख सर से डायरेक्टली बात कीजिए, उसके पीछे की। नहीं, वो स्टेटमेंट भी अभी मेरी जस्ट मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी टीम से, वैसा मैंने कुछ नहीं कहा है। आई थिंक कुछ उनको कंफ्यूजन हुआ होगा या मुझे नहीं पता, बट ऐसा कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया है, और अभी तक नहीं पता है। मैंने भी सिर्फ ये बातें सुनी है, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। तो जब तक मेरे को श्योरिटी नहीं आएगी, मैं ऐसा कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं करूंगी, ऑफकोर्स नहीं करूंगी। सो आई हैव नो क्लू, और मैंने टीम से बात की है कि वो स्टेटमेंट जो आया था, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। बाकी मेरे जैसे आप लोग सुन रहे हैं, वैसे ही मैं भी सिर्फ सुन ही रही हूँ अभी तक। मैं चाहती हूँ आगे बात बढ़े, क्या चल रहा है बताओ। अच्छा, और नागिन साहब का क्या है? क्योंकि अर्चना ने बोला है कि हम लोग लंदन जाने वाले थे, लेकिन अब प्रियंका जो है अपना अगला शो करेगी। उसने बताया नहीं हमें, लेकिन उसने हंसते हुए बोला वो अपना अगला शो करेगी। सो क्या वो नागिन साहब है? एक तो अर्चना ना बड़ी फेमस है भविष्यवाणी करने में, पता है ना आपको। तो अर्चना क्या हाँ। बोलती, मुझे भी नहीं पता होता, मैं उससे ऐसे पूछती हूँ क्या, मुझे नहीं पता, मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कोई अभी किसी शो को लेकर बात नहीं चली है। बट अर्चना ने अगर बोला है तो मैं भी पूछूंगी उससे, वो कुछ भी लेकिन बोलती है, ये बात तो मानते ही होंगे आप लोग। तो अर्चना की अगर किसी से बात होगी तो पूछूंगी कि मेरे बारे में तुझसे कोई बात है, मेरे मेरी कुछ ऐसी बात नहीं है। So I have no idea अभी। प्रियंका जी, हम लोग है ना ऑडियंस के बीच में जाते हैं, उनसे पब्लिक वर्डिक्ट करवाते हैं, और हमने एक वर्डिक्ट करवाया था जहां पे मैक्सिमम ऑडियंस ने कहा था प्रियंका एंड अर्चना, कंटेंट वाइज देखा जाए, डे वन से देखा जाए, टॉप 2 थे, टॉप 2 में इन्हीं को आना चाहिए था, और इनमें से इवेंचुअली किसी एक को ही जीतना चाहिए था। मतलब सी आई मीन उसने भी, मैं नहीं बोल रही, जैसे मैंने अपना 110% शो में दिया है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं टास्क में लेजी हो रही हूँ या कुछ भी चीज में, मैंने हमेशा एक्टिवली हर चीज वहां पर एक्टिवली रही उधर। और ऐसा ही मुझे लगता है अर्चना ने तो आई थिंक उससे भी ज्यादा किया है, ओवर एक्टिव रही है वेरी गुड, वो। तो वेरी हंड्रेड एंड गुड। टेन परसेंट काफी किया है, काफी किया है, काफी, मतलब जो है वो एक्चुअल रियल में भी ऐसी है, बट वहां पर भी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी दिखी है, इट वॉज ग्रेट। और अर्चना को कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी, बट ठीक है, आई थिंक डिपेंड करता है, कुछ भी हमारे हाथों में या मेकर्स के हाथों में उस टाइम पर नहीं होता है, वो वोट्स और जनता के वोट्स पर डिसाइड होता है। तो जो जनता को मंजूर, वो फिर हमें भी मंजूर, और हर कोई अपने आप को तो सोचते है कि मैं विनर बनूं, हर कोई सोचता है, तो सोचते तो सब है, राइट लेकिन जनता राइट से तो ओके, लास्ट सवाल है, और कंटिन्यूअसली मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। अब्दू ने एक स्टेटमेंट पास किया कि प्रियंका ने उसे कंटेंट के लिए यूज किया, बट हमने जिस तरीके से खेल देखा और हमें दिखाया गया है, आपने और अब्दू ने बैठकर एक बार बात करी जिसमें अब्दू ने कहा था बाहर मस्त चल रहा है, योर फ्रेंड्स आर, ऐसा करके, राइट? तो मुझे जानना है कि प्रियंका चाहर चौधरी ने कब इस्तेमाल किया अब्दू को, मुझे देखना है वो बात, मतलब कब किया आपने उसको इस्तेमाल कंटेंट के लिए। अब्दू ना मेरे लिए ना अल्लाह का बंदा है, मतलब वो एंजल है मेरे लिए। मैंने ये एक बात कही थी राइट, पहले हमने कि इसमें देखा। मुझे मेरा भाई दिखता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और ये बात मैंने अब्दू को भी कही थी कि अब्दू सी, इफ नो मैटर, इवन इफ यू डोंट लाइक मी, आई रियली लाइक यू, एंड आई स्वेयर, मैंने जैसे आपने नोटिस भी किया, मैंने उसका क्या, मैंने कभी किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। जी अब्दू का तो स्पेशली सोच भी नहीं सकती हूँ यार, पता नहीं अब्दू ने ऐसा क्यों बोला, मुझे नहीं पता। और फिर अब्दू क्या होता है ना, उसके बैठ जाती है ना, फिर आप उसको क्लियर कर, वो नहीं क्लियर होती है। बट मेरा, तो मैं यहां से बता रही हूँ कि अब्दू कितना,
अब देखो मैं कभी नहीं सोच सकती। एक बार वहां बैठकर जब बात की थी कि बाहर ये वाली बात भी बोली थी, आई वाज, उसने मुझे खुद ही बताया था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि अब्दू वापस से मुझसे नॉर्मल हो रहा है। बाहर से जब आया था उसके बाद ही वाज गेटिंग नॉर्मल टू मी, बट देन अगेन चीजें थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में जाने लगी, तो अगेन आई फेल्ट बैड कि शिट, क्यों मुझे इतना राइट पसंद आई, क्यों ऐसे करता है। बट ठीक है, अपनी अपनी चॉइस। प्रियंका जी, थैंक यू सो मच हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए। हम इसी तरीके से कांटेक्ट में बने रहेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गोना रॉक। I will keep supporting me like this, and I will go walk, I swear. चलो, थैंक यू सो मच।